मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इंडेफिनिट टेंसेस को, इंडेफिनिट टेंसेस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, इन टेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलें फ्रॉम एक्टिव वॉइस, ये हमने देखा था। ये मेरा इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस टेंसेस को कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इन दोनों का तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इन दोनों कंटिन्यूअस टेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। देखते हैं कि एक तो जो एक्टिव वॉइस होता है उसे, उसमें हमें याद रखना होगा कि जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो होता है इज, एम और आर, और उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सो यह एक्टिव वॉइस में यूज होता है। और ठीक इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वह होता है वाज और वर, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो अगर जो वर्ब है अगर इस फॉर्म में आया है इज, एम, आर में से कोई मौजूद है और साथ ही साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म मौजूद है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा एक्टिव वॉइस में। और अगर वाज वर्ब मौजूद है, वाज और वर्ब में से कोई एक मौजूद है, साथ में अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, देन ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसको पहचानना काफी आसान है। सो अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि यह किस टेंस में है, देन उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना काफी आसान हो जाता है। अब देखिए पैसिव वॉइस में हम यूज करते हैं इज, एम, आर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो उसके बाद हम बीइंग का यूज करते हैं और उसके बाद लाते हैं हम जो वर्ब होती है, वर्ब की जो वर्ब क्या हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, राइट। तो पैसिव वॉइस, अब देखिए याद रखना होगा कि पैसिव वॉइस में ये आईएनजी फॉर्म मैंने गलती से लिख दिया था, इसको आप भूल जाएंगे। यह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यह वर्ब के फॉर्म से है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में। पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वह होती है इज, एम, आर, और उसके बाद बीइंग यूज होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होती है वाज और वर्ब और उसके बाद से बीइंग। हाँ, ये याद रखना होगा हमेशा कि जब भी हम मेन वर्ब यूज करें पैसिव वॉइस में तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है जब पैसिव वॉइस में, ध्यान रखिएगा। सो लेट अस गेट स्टार्टेड, आगे चलते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, देन यूज करेंगे इज, एम या आर में से कोई एक जो भी सुटेबल हो। तो यह ध्यान में रखना होगा कि यह जो इज, एम, आर आएगा यह इज, एम, आर ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम इज यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट आई है तब हम एम यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तब हम आर यूज करेंगे। फिर उसके बाद आती है बीइंग, और फिर उसके बाद से मेन वर्ब हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं या फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है बाई, और फिर उसके बाद से हम सब्जेक्ट यूज कर देते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ अंतर यही है कि पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वह वाज होती है और वर होती है। वाज और वर में से कोई एक होगा, शेष चीजें जो है वह बिल्कुल दोनों में सेम होती है। लेट अस गो टू सम एग्जांपल्स। सी इज वॉचिंग टीवी, सी इज वॉचिंग टीवी। तो अब देखिए सबसे पहले तो डिसाइड ये कर लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तब देखिए सी इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। तो अब यहां पर देख कौन रहा है, सी यानी वह, ये सब्जेक्ट है।
और क्या देख रही है, टीवी। ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इज का यूज हुआ और इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, यानी यह एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सो लेट अस चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब देखिए इसको यहां ले जाइए और इसको लाइए यहां पर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो जगह है वह है परस्पर बदल जाती है। तो यहां पर टीवी हो गया, हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ले आए, तो टीवी और उसके बाद से जो हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर, जैसे कि बताया ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट हमने लिखा, उसके बाद से टीवी सिंगुलर है इसलिए इज यूज हुआ, फिर उसके बाद से देखिए बीइंग आ गया, फिर उसके बाद से मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, हमने मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज किया, फिर उसके बाद से बाय यूज करना है, हमने बाय यूज किया, और फिर उसके बाद से हमने सब्जेक्ट यूज किया हर। अब देखिए सी जो है यह हर में चेंज हो जाता है, जब हम सी को ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो यह हर में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हो गया टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हर, यह पैसिव वॉइस हो गया, अर्थात उसके द्वारा टीवी देखा जाता है। सो टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हर, उसके द्वारा टीवी देखा जाता है, तो यह चेंज हो गया। नाउ लेट अस गो टू द अनदर एग्जांपल, पैसेंजर्स आर बाइंग टिकट्स, पैसेंजर्स आर बाइंग टिकट्स। अब देखो जो यात्री हैं वो टिकट खरीद रहे हैं, यात्री टिकट खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट पता कर लीजिए, कौन खरीद रहा है, पैसेंजर्स, और क्या खरीद रहे हैं, टिकट्स, तो ये सब्जेक्ट हो गया। किस वस्तु पर काम हो रहा है, टिकट्स पर, तो टिकट्स हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए आर यूज हुआ और बाइंग यानी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, तो यह एक्टिव वॉइस है किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो अब देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाइए, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया और जो सब्जेक्ट है यह ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, तो ये हो गया टिकट्स। जो हेल्पिंग वर्ब आती है हम वह यूज करते हैं इज एम आर, टिकट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा आर, और उसके बाद से हम बीइंग यूज करते हैं, बीइंग देखिए इज एम आर के बाद बीइंग का यूज करना है, हमने बीइंग का यूज किया, उसके बाद से मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करना है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करना है, हमने मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज किया बॉट, और उसके बाद हमने यूज किया बाई, बाई यूज कर दिया, और फिर यह जो पैसेंजर्स है यह ऑब्जेक्ट की जगह चलाएगा पैसेंजर्स। सो ये हो गया टिकट्स आर बीइंग बॉट बाई पैसेंजर्स, यानी यात्रियों के द्वारा टिकट खरीदे जा रहे हैं। क्लियर है, बहुत ही आसान है इसको चेंज करना, बशर्ते कि हम रूल अच्छी तरह से जान जाए, इट इज वेरी इजी टू डू दैट। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, सी वाज गैदरिंग फ्लावर्स, सी वाज गैदरिंग फ्लावर्स यानी वह फूल इकट्ठे कर रही थी, सी वाज गैदरिंग फ्लावर्स। अब देखिए कौन इकट्ठा कर रहा था, सी, क्या इकट्ठा कर रही थी, फ्लावर्स, तो जो काम कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट, और किस वस्तु पर काम हो रहा है, क्या वह इकट्ठा कर रही है, फ्लावर्स, या ऑब्जेक्ट हो गया। सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपने फाइनल कर लिया। वाज यूज हुआ और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, यानी यह पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। अब चेंज करिए इसको, यहीं से चेंज हो जाएगा, बार बार स्ट्रक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के जगह पे, और सब्जेक्ट को ले जाना है ऑब्जेक्ट की जगह, तो फ्लावर्स को लाइए यहां पर, आ गया फ्लावर्स सबसे पहले। अब फ्लावर्स यह प्लूरल है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वाज होगा या वर होगा, वर होगा क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब भी चाहिए। फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब जो दूसरी आ रही है वह है बीइंग, बीइंग आप यहां पर यूज करिए, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
तो मीन वर्ब को आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए और उसके बाद से आप बाई लगाइए और उसके बाद से आप इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आइए। तो ये हो गया हर सी जो है, जब यह ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो यह हर में चेंज हो जाएगा। वेरी इजी, काफी आसान है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ हम चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ यही याद रखना है कि नॉट को हम कहां लगाते हैं। नॉट को हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नॉट है ऑलरेडी या हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस में भी आती है, अर्थात जहां पर वो है वहीं पर उसको रहने देना है। कैसे, लेट अस सी, आइए देखते हैं कैसे ये होगा। एक्टिव वॉइस में है, वी वर नॉट वॉचिंग फुटबॉल मैच। वी वर नॉट वॉचिंग फुटबॉल मैच, यानी हम फुटबॉल मैच नहीं देख रहे थे। अब देखिए, कौन नहीं देख रहा था फुटबॉल मैच, कौन नहीं देख रहा था, वी, हम, सब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं देख रहे थे, फुटबॉल मैच, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को इंटरचेंज करिए, आपस में बदल दीजिए। तो फुटबॉल पहले आ गया, फुटबॉल मैच ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद आप वाज लगाएंगे, वर लगाएंगे, फुटबॉल मैच सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि वाज लगेगा, वाज हमने लगा दिया। अब देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आ गई, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आ गया नॉट, जहां पर यह था वर के बाद था, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दिया नॉट, जहां पर था वहां पर हमने रख दिया। उसके बाद से हमने बीइंग का यूज किया, बीइंग का यूज करिए। फिर उसके बाद से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आ रहा है बाई और फिर सब्जेक्ट आ जा रहा है। तो सब्जेक्ट देखिए, वी सब्जेक्ट था, तो वी जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर इसको ले जाएंगे तो यह चेंज हो जाएगा अस में, सो इसकी पैसिव वॉइस चेंज हो गई। फुटबॉल मैच वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड बाई अस, यानी हमारे द्वारा फुटबॉल मैच नहीं देखा जा रहा था। टेक अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सी इज नॉट शार्पनिंग द पेंसिल। सी इज नॉट शार्पनिंग द पेंसिल, यानी वह पेंसिल नहीं छील रही है। अब देखिए, कौन पेंसिल नहीं छील रहा है, सी, वह, और क्या नहीं छील रही है, द पेंसिल। तो कौन सब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। चलिए, काफी काम आसान हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट लग गया द पेंसिल, उसके बाद से इज एम आर लगाइए, तो पेंसिल सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है इसके बाद सिंगुलर वर्ब होगी, इज आएगा। और इसी के बाद नॉट यूज करना है, नॉट ऑलरेडी है यहां पर, यहां पर यूज कर दीजिए, और ठीक उसके बाद बीइंग आप यूज कर रहे हैं, बीइंग यूज कीजिए, और मेन वर्ब का जो फॉर्म है वह चेंज कर दीजिए थर्ड फॉर्म में, ये हो गया शार्पन, एंड देन बाई यूज करेंगे और फिर बाई के बाद हम रख देंगे सब्जेक्ट को, यहां पर सब्जेक्ट है सी, यह जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो यह चेंज हो जाएगा हर में, सो ये हो गया द पेंसिल इज नॉट बींग शार्पेंड बाई हर, यानी उसके द्वारा पेंसिल को नहीं छीला जा रहा है। सो नाउ दिस हैज बीन चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। लेट अस गो टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि भी हमने पीछे देखा कि कई रूल्स हो जाते हैं, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कभी कभी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाते हैं, कभी हु से शुरू हो जाते हैं, कभी व्हाट से शुरू हो जाते हैं, और कभी दूसरे तरह के डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं, तो कुछ जो रूल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले रूल्स पे नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट वन इज जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो देन हम यूज करते हैं सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद यूज करते हैं बीइंग, देन हम यूज करेंगे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद यूज करेंगे हम बाई यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, और शेष जो वाक्य बचता है उसको हम सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं।
सेकेंड रूल है जब सेंटेंस हु से शुरू हो, तो जब सेंटेंस हु से शुरू होता है फिर हम सबसे पहले रखते हैं बाई हुम, और उसके बाद रखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग यूज करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब देखिए यहां पर कहीं हमने यहां पर सब्जेक्ट का जिक्र नहीं हुआ है, यहां पर सब्जेक्ट का जिक्र हुआ ही नहीं है, क्योंकि यह जो हु है यह हु ही सब्जेक्ट होता है, यह क्वेश्चन वर्ड भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा। या फिर हम कह सकते हैं हु ही है, और थर्ड है जब शुरू में वाट आ जाए। अब देखिए शुरू में वाट आ जाएगा तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, शुरू में जब वाट आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। देखिए मैंने गलती से यहां पर ऑब्जेक्ट लिख दिया है, यहां पे होना चाहिए सब्जेक्ट। नाउ तो सबसे पहले हम रखते हैं व्हाट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है बीइंग, उसके बाद बीइंग आ जाएगा, फिर आ जाएगा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम बाई रखते हैं, और उसके बाद हम रखते हैं सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है। तो और जो लास्ट रूल है, लास्ट रूल को भी देखते हैं हम। चौथा, जब कोई अन्य डब्ल्यू एच वर्ड आए, डब्ल्यू एच वर्ड आए यानी क्वेश्चन वर्ड दूसरा कोई आ जाए, तो सबसे पहले वह जो क्वेश्चन वर्ड है वो रखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो भी सुटेबल हो, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बीइंग रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद बाई आएगा, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट रख देते हैं। तो बारी बारी से हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखिए, इज ही बाइंग अ न्यू हाउस, इज ही बाइंग अ न्यू हाउस। तो अब देखिए यह शुरू हुआ हेल्पिंग वर्ब से, शुरू हुआ हेल्पिंग वर्ब से, तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इसमें से हम पिकआउट कर लेते हैं। तो क्या वह एक नया घर खरीद रहा है, तो क्या वह एक नया घर खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है, ही, और क्या खरीद रहा है, अ न्यू हाउस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल गए, जगह इन्हीं का बदलना है, किसी दूसरे का जगह बदलना नहीं है, परस्पर बदलते हैं। अब देखिए, तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पैसिव वॉइस जो होती है वह भी हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है या सब्जेक्ट की जगह पर, यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह पर हमने अ न्यू हाउस रख दिया, और इसके ठीक बाद आएगा बीइंग, जैसा कि पीछे आप वीडियो को बैकवर्ड करके आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को, बीइंग आएगा, फिर उसके बाद हम यूज करते हैं मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई आता है, और फिर यहां पर जगह था ऑब्जेक्ट का, यहां पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट चूंकि ही है यह चेंज हो जाएगा हिम में, इस तरह से ये हो गया, इज अ न्यू हाउस बीइंग बॉट बाय हिम, यानी क्या उसके द्वारा एक नया घर खरीदा जा रहा है। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, हु वॉज कॉलिंग यू, हु वॉज कॉलिंग यू यानी तुम्हें कौन पुकार रहा था, हु वॉज कॉलिंग यू, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो जब हु से अगर शुरू होता है कोई सेंटेंस तो सबसे पहले हम बाई हुम यूज करते हैं, बाई हुम के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, तुम्हें कौन पुकार रहा था, तो किसको पुकार रहा था, तुम्हें, यही चीज ऑब्जेक्ट है। जब हम वर्ब में क्या और किसको लगाकर प्रश्न करते हैं और उत्तर के रूप में जो मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो यह यू ऑब्जेक्ट है, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद बीइंग आता है, और बीइंग के बाद हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं, एंड दैट इज कॉल, तो कॉल को हम चेंज कर देंगे, कॉल्ड में, इस तरह से हो जाएगा, बाय हुम वर यू बीइंग कॉल्ड, यानी तुमको किसके द्वारा पुकारा जा रहा था। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट वाज नीता सेइंग यानी नीता क्या कह रही थी। अब देखिए सबसे पहले तो आप पता कर लीजिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, व्हाट आया है तो ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं लेकिन सब्जेक्ट होगा, तो व्हाट वाज नीता सेइंग, कौन कह रहा था नीता, यह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा नहीं इसमें। नाउ लेट अस सी, तो सबसे पहले हम व्हाट यूज करते हैं, पीछे आप बैकवर्ड करके रूल देखिए, व्हाट यूज करते हैं सबसे पहले,
फिर उसके बाद से यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद बीइंग आता है, और बीइंग के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब है से, और से को हमने चेंज कर दिया सेड में। उसके बाद हमने बाई रखा, और बाई के बाद हमने सब्जेक्ट रख दिया नीता, और इस तरह से ये हो गया व्हाट वाज बीइंग सेड बाई नीता। सो नाउ दिस इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, व्हाट वाज बीइंग सेड बाई नीता, यानी नीता के द्वारा क्या कहा जा रहा था। एंड दिस इज अनदर एग्जांपल, When are you opening the shop? When are you opening the shop? यानी तुम दुकान कब खोल रहे हो? सबसे पहले पता करिए कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। इस देखिए इसमें दोनों होगा, सब्जेक्ट भी होगा ऑब्जेक्ट भी होगा। When are you opening the shop? यानी तुम दुकान कब खोल रहे हो? कौन दुकान खोल रहा है? तुम सब्जेक्ट है, और क्या खोलेगा यह दुकान? तो सब्जेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। देखिए तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है वेन से, तो या वेन ज्यों का त्यों उतारा गया। सबसे पहले हमने यूज किया क्वेश्चन वर्ड, और फिर उसके बाद से इज हमने यूज किया, इज यूज किया सिंगुलर वर्ब आया, क्योंकि जो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वह सिंगुलर है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब आया। यह ऑब्जेक्ट द शॉप जो है या सब्जेक्ट किस जगह पे चला आया। फिर इसके बाद हमने बीइंग का यूज किया, बीइंग का यूज करना है। फिर उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो ये हो गया ओपेंड, और उसके बाद से बाय यूज किया, और बाय यूज करने के बाद इसमें हमने सबसे लास्ट में सब्जेक्ट को यूज कर दिया, यू का यू ही रहता है। तो इस तरह से हो गया व्हेन इज द शॉप बीइंग ओपन बाय यू, व्हेन इज द शॉप बीइंग ओपन बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा शॉप दुकान कब खोला जा रहा है। सो दिस इज नाउ चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन सबको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसमें से कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं, कुछ पास्ट कंटिन्यूअस के हैं। सो ट्राई करेंगे और कमेंट में लिखेंगे, अगर गलत होता है तो फिर मैं इसको सही करके लिखूंगा। देखिए फर्स्ट है, सम चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, सम चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, देवर बी फूलिंग अस, योर फादर is not speaking the truth, what is he doing so late, and who was cheating you, the last one is are you doing homework। so try करें और comment करें, अच्छा लगा हो तो subscribe करें। thank you for watching।